हाउस नंबर 327 4C2 गोरी टाउन की सेवरेज। ये है ऊपर वाली मंजर का वॉशरूम, जो ड्राइंग रूम का वॉशरूम है उसकी सेवरेज का मंजर। यहाँ पे एक सेवरेज मिनरल बने और ये है इसका अंदर वॉशरूम का हिस्सा। ये है वॉश बेसिन के लिए, यहाँ पे कोने में वॉश बेसिन लगेगा। और ये है सीट के लिए, ये जो ऊपर की तरफ पाइप जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला पाइप, ये सीट की पाइप, और ये जो ऊपर वाला पाइप जा रहा है ये सीधा जाएगा यूँ ड्राइंग रूम के जो ऊपर वाला, वहाँ से अभी छत का पानी आएगा, बाद में वॉशरूम का पाइप ये बनेगा। ये देख रहे हैं आप, अब आए हम आपको किचन की तरफ लेके जाते हैं। ये देखें यहाँ पे भी एक सीवरेज वाला मिनरल बनेगा। और ये है अंदर किचन, किचन की तरफ से आने वाला। आए अब हम आपको किचन का मंजर दिखाते हैं। ये है जी किचन, ये है सिंक का पाइप, और ये है किचन का पाइप। और वो रेप पाइप जो आप पीछे कोने में देख रहे हैं ये यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर वाले किचन यहाँ के लिए। ठीक है, अब आए हैं आपको हम लेके जाते हैं कहाँ पे जी, हम आपको लेके जाते हैं बेडरूम के वॉशरूम के। ये है जी बेडरूम का वॉशरूम, ये है वॉश बेसिन के लिए, ये है नहाने के लिए जो ऊपर से पानी है, ये है सीट टॉयलेट के लिए। देख रहे हैं, अब हम आपको मेन मेन हॉल की तरफ लेके जाते हैं। मेन मेन हॉल से लेके जाने के तरफ पहले हम आपको दूसरा जो बेडरूम है उसका वॉशरूम दिखाते हैं। ये है जी उसका, ये है वॉश बेसिन का पाइप, ये है शावर का पाइप, और ये है सीट का पाइप। ठीक है, अब आए हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये हो गया वॉशरूम, ये है जो ऊपर वाली मंजिल के लिए जो वॉशरूम होगा उसका पाइप, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से। ठीक है, ये वॉशरूम के साथ आप दूसरा पाइप दे रखे हैं, ये है वजू करने के लिए, यहाँ पे हम टूटी वगैरह लगाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं हम ये बड़े मेन हॉल की तरफ। मेन मेन हॉल जो बड़ा हमारा मेन हॉल होगा वो ये मेन हॉल है जी। ठीक है, ये है जी हमारा बड़ा मेन हॉल। ये जो सामने आप पाइप देख रहे हैं ये ऊपर मंजिल का वॉशरूम का पाइप, ये यहाँ से सीधा आप यूँ ऊपर मंजिल से आ जाएगा, वहाँ से वॉशरूम का पानी होता लगेगा, हर चीज़ आएगी। ये देखिए आप कितने पाइप हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ठीक है, ये बड़ा पाइप।